हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए रैबिट स्टाइल की बेबी बूटीज हैं। ये इसके तो ईयर्स हैं और ये नीचे से ऐसे ये कंगूरे से बने हुए हैं। ये बच्चों के लिए बन अच्छी लगती है। आप बना ये अलग अलग आप फेस बना सकते हैं। यहाँ मैंने दो मोतियाँ लगा रखी हैं, अभी तो ये टेम्परेरी मैंने पिन से लगा रखी हैं, लेकिन आप परमानेंट भी ऐसे लगा सकते हैं। और इन्हें बनाना भी बहुत ही ईजी है। इसको बनाने के लिए मैंने दो कलर के ऊन चाहिए और ये 43 फंदे मैंने डाले हैं। इस 43 फंदे डाल के ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी सीधी सीधी बुन लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये रैबिट वाली बनी वाली बच्चों की बूटीज बना रहे हैं। और ये देखिए ऐसे दिखती है। इसमें नीचे यहाँ साइड में ये कंगूरे से बने हैं और ये ऐसे ये इसकी मैंने अभी टेम्परेरी ये पिंस लगा के इसके डेकोरेट किया है। और आप इसमें यहाँ पे मोतियाँ लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये दो आईज और नोज बनाई है, तो आप इसको एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। और जो वो रेडीमेड आईज आती हैं वो भी आप यहाँ पे ऐसे टाँग सकते हैं। ये देखिए इस तरफ से ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे। ये मैंने इसे वो ये थोड़ा सा देखने में ईजी रहे तो इसकी मैंने फाइबर स्टफ कर रखा है। और ये जब पैर डाल के ये ऐसे ही दिखेगा। ये इसके ईयर्स हैं, ये देखिए ये ईयर्स, ये इस तरह से दिख रहा है। ये बहुत ही इजी है, जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल बनाने में नहीं है। आप इसे ट्राई करें इस साल। ये कंगूरे से इसकी लुक और भी बढ़ गया है। ये नीचे से ये ऐसा दिखाई देता है फ्लैट पूरा। और इसको बनाने के लिए मैंने 43 फंदे डाले हैं। नॉर्मल 43 फंदे डाल के आप पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। जैसे उल्टी सिलाई बुनते हैं वैसे बुनेंगे। पूरी सिलाई यहाँ तक ऐसे उल्टी बुनी है। ईयर्स जो हैं, अगर आपको लंबे रखने हैं तो आप थोड़े लंबे भी बना सकते हैं, नहीं रखने हैं तो भी आप हटा सकते हैं। लेकिन ये लुक ईयर से तभी ये रैबिट जैसा या बनी जैसा दिख रहा है। और ये डबल फोल्ड है, ये देखिए यहाँ से ये ऐसे इसे खोल सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ इतना ही बना सकते हैं और चाहें तो ये डबल फोल्डेड वाला भी बना सकते हैं। ये सिलाई पूरी हमें उल्टी बनानी है। ये 43 फंदे डालकर मैंने पूरी सिलाई उल्टी बुन के अब हम इधर सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ हमें क्या करना है, पहला फंदा तो मैं उतार लेंगे। उसके बाद ये जो देखिए नीचे वाला फंदा है, ये इसे हम ऐसे करके ऐसे बुन लेंगे तो हमारा एक फंदा ये बढ़ जाएगा। इन दोनों को छोड़ के हम 21 फंदे सीधे बुन लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस और ये 21। 21 फंदे बुनने के बाद जैसे हमने यहाँ ये वाला फंदा नीचे से बढ़ाया था वैसे हम यहाँ भी ये देखिए ये नीचे जो सिलाई है ये ऐसे करके ये पीछे से इसमें बुल के इस करके ये एक फंदा यहाँ बढ़ा लेंगे। अब हम ये 22वां फंदा जो है ऐसे बुन लेंगे, सीधा बुन लेंगे। और यहाँ पे हम एक मार्कर लगा देंगे, मार्कर लगा देंगे और उसके बाद फिर नीचे से निकाल कर एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। जैसे हमने ये वाला फंदा बढ़ाया था वैसे ही हम यहाँ पे भी एक नीचे से ऐसे बुन लेंगे। 21 फंदे, एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाया
ये वाला बढ़ाया, इन दोनों फंदों को छोड़ दिया। पहला तो पहला और लास्ट तो हम ऐसे ही उतारेंगे। एक फंदा यहाँ बढ़ाया, उसके बाद हमने 21 फंदे बुन लिए, और फिर एक फंदा यहाँ नीचे से बढ़ाया, 21वां फंदा नीचे से बढ़ाया, 22वां सीधा बुन दिया। अब जो 22वां सीधा बुनेंगे उसमें हम मार्कर लगा के एक निशान लगा देंगे, और फिर उसके बाद हमने एक फंदा नीचे से सिलाई डाल के बना लिया, और फिर ये 21 फंदे हम नॉर्मल सीधे बुन लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20, ये लास्ट वाला, और एक फंदा जो हमने यहाँ बनाया था, तो कुल मिला के ये 21 फंदे हो गए। और फिर हम उल्टी तरफ आ जाएंगे, उल्टी तरफ हम पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे, उल्टी तरफ भी हम पूरी सिलाई सीधी ही बुन लेंगे। ये हम तीसरी सिलाई बुन चुके, पूरी सिलाई उल्टी तरफ भी, पूरी सिलाई सीधी बुननी थी। अब हम ये चौथी सिलाई में है, पहला फंदा तो ऐसे बिना बुने उतारेंगे, और फिर यहाँ पे जैसे हमने पहली सिलाई में नीचे से ऐसे उठाया था, ऐसे नीचे से एक फंदा ऐसे करके ऐसे बुन लेंगे, तो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। तो ये एक तरह से इस शेप में जाएगा, एक फंदा साइड में इधर भी बढ़ेगा, एक फंदा इधर भी बढ़ेगा, ये एक एक फंदे तीन बार बढ़ेंगे। एक फंदा बढ़ा लिया, फिर 21 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये हमने बीच में जहाँ मैं बोल रही थी कि मार्कर लगा लेंगे, बीच में 22वां फंदा सीधा बिनेंगे, तो ये मार्कर लगा लिया, इसके इस साइड और इस साइड हमने फंदा बढ़ाया हुआ था, तो ये पूरी सिलाई हम सीधे ही बुनेंगे, 21 फंदे सीधे। ये जो लास्ट और फर्स्ट स्टिच उतारे हैं या जैसे भी करें, बस इसका स्मूथ सरफेस आना चाहिए, क्योंकि सिलाई करते समय ये वाली चीज़ जो है, ये फिनिशिंग अच्छी आती है। पूरी सिलाई हम 21 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इन दो को छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 21, 21 फंदे बढ़ा लिए, 21 फंदे बिन लिए हमने। ये हमारा सेंटर का फंदा था, और ये तीन फंदे, ये फंदे हमने सीधे बुन लिए यहाँ तक। अब ये हमारे बीच के सेंटर के फंदे, ये सेंटर वाला फंदा, एक फंदा ये और एक फंदा ये। अब हमें यहाँ पे फिर यहाँ ये वाला लूप उठाना है सिलाई पे, और ये पीछे से ऐसे करके ये एक फंदा बढ़ा लेना है, और इस तीन फंदों को 1, 2 और ये 3, इन तीन फंदों को सीधा बुनना है, और फिर यहाँ पे ये वाला फंदा सिलाई पे लेना है ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब उसके बाद ये पूरे फंदे, 21 फंदे सीधे बुनेंगे। दो, तीन, चार,
अब ये एक फंदा हमारा बचा है। हमने यहाँ पे एक फंदा उतारने के बाद एक फंदा बढ़ाया था, अब यहाँ एक फंदा बचा है। तो ये नीचे से लूप जो है ये यहाँ से ऐसे लेंगे और ये ऐसे फंदा एक बढ़ा लेंगे और फिर ये वाला बुन लेंगे। देखिए कुछ हल्का सा क्लियर हो रहा है, ये इस शेप में जा रहा है, इस स्लैंटिंग सा शेप आ रहा है। फिर उल्टी तरफ हमें पूरी सिलाई सीधी ही बुननी है, ये पूरी सिलाई हमें सीधी बुननी है। ये हम पांचवी सिलाई में आ गए। यहाँ पे दो बार हम यहाँ साइड में फंदे बढ़ा चुके हैं, पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, दूसरा ये नीचे वाला ऐसे सिलाई पे लेंगे, ये पीछे से ये किया और एक ये एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब हम इन दो को छोड़ के 22 फंदे सीधे बिनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 फंदे हो गए। ये 22 फंदे हो गए हमारे। और उसके बाद एक फंदा हम यहाँ पे जैसे पहले दो बार हमने बढ़ाए थे, तो एक फंदा हम ये वाला ऐसे सिलाई पे लेंगे और इसे ऐसे करके ये एक फंदा हमारा बढ़ गया। फिर हम ये तीन ये हमारा ये जो हमने मार्कर लगाया था ये हमारा सेंटर का फंदा था, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे हम सीधे बनेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे सीधे बुन लिए। अब उसके बाद हमें फिर इस जगह पे ये फंदा ऐसे उठाया नीचे से और ये ऐसे एक फंदा हमने ये बढ़ा दिया। और उसके बाद यहाँ तक जब एक फंदा बचेगा तब तक हम सीधे बुनेंगे और नीचे से फिर फंदे हम बढ़ाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, ये वाइट कलर में और पिंक कलर के कान हो तो बिल्कुल ही रैबिट जैसे बनी जैसे दिखते हैं। कान थोड़े से आप लंबे कर दीजिए तो और भी अच्छे लगते हैं। ये लास्ट का फंदा बचा, तो ये यहाँ से नीचे से हम ये लूप उठाएंगे ये ऐसे और इसे के ये ऐसे बढ़ा लेंगे और ये लास्ट वाला ये हमारी पांचवी सिलाई थी। और छठी सिलाई हम पूरी उल्टी तरफ भी सीधी बिनेंगे। ये सिलाई हम पूरी बिन के उल्टी तरफ पूरी सिलाई बिन के छठी। अब हम इधर आ गए, ये हमारा अब ये बीच का ये देखिए यहाँ आपको ये वाला पोर्शन हमने ये जो था ये वाला पोर्शन हमने बनाया और ये पूरा हो गया। ये अब छोटा सा ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, पहले एक था फिर 3 फिर ये 5 हो गया। अब हमें ये वाले कंगूरे बनाने हैं। ये हमारी 7वीं सिलाई है। 7वीं सिलाई करने के लिए हम वाइट ऊन लगाएंगे और वाइट ऊन लगाने के बाद हम 3 सिलाई सफ़ेद ऊन की सीधी सीधी बुन लेंगे, सीधी उल्टी मतलब सीधे तरफ सीधी उल्टी तरफ उल्टी बुन लेंगे। यहाँ पे ये हम वाइट ऊन लगाएंगे, अभी जो फर्स्ट शुरू में और लास्ट में हम घटा रहे थे वो 3 बार ही सिर्फ घटेंगे, अब उन्हें नहीं बढ़ाना है फंदे। ये
ये पूरी सिलाई वाइट ऊन से हम सीधी और उल्टे तरफ उल्टी। ये वाले जो कंगूरे हैं ये बन रहे हैं। ये कंगूरे मेरे एक वीडियो में पहले के पड़े हुए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। इसी तरह से ये पूरी सिलाई सीधी, फिर उल्टी सिलाई, पूरी उल्टी, फिर सीधी सिलाई, मतलब ये छठी, ये हमारी सातवीं सिलाई है। तो सातवीं, आठवीं और नौवीं सिलाई तक हम लोग सीधी तरफ सीधी और उल्टी तरफ उल्टी पूरी सिलाई बुन के, जैसे नॉर्मल स्टॉकनर इससे सीधी उल्टी बुनते हैं वैसे हम बुन के तैयार करेंगे। ये देखिए हमने वाइट ऊन से अब 1, 2, 3 ये तीन सिलाइयाँ हमने सीधी तरफ सीधी और उल्टी तरफ उल्टी बिन ली। अब उसके बाद हमें ये कंगूरे बनाने हैं। कंगूरे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा तो हम जैसे नॉर्मल उतारते हैं उसे उतार देंगे, ऐसे उतार दिया। फिर 2 का 1 सीधा बुनेंगे, 2 फंदे एक साथ सीधी डायरेक्शन में सिलाई घिसा के 2 का 1 कर देंगे। फिर ऊन आगे करेंगे, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर ऊन आगे, हर बार ऊन आगे करेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे सीधा। ऊन आगे, 2 का 1। लास्ट में आप काउंट जरूर कर लीजिएगा कि आपके फंदे पूरे हैं, नहीं तो कई बार जल्दी में हम ऊन आगे करना भूल जाते हैं तो हमारे फंदों की जो नंबर्स हैं वो कम हो जाते हैं। ऊन आगे और 2 फंदे का 1 फंदा, ऊन आगे, 2 का 1, ऊन आगे, 2 का, टाइट हो तो ऐसे कर लीजिए, 2 का 1। ऐसे करते हुए ऊन आगे 2 का 1 करते हुए हम यहाँ तक पूरा आ जाएंगे। तो ये देखिए अब ये जाली सी दिख रही होंगी, ये यहाँ पे ये जाली सी बन रही है। ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई। और 2 का ऊन आगे 2 का 1 2 का 1 करते हुए अब इस तरह से अब हमें देख लेना है, हमने जितनी सिलाइयाँ नीचे बनाई थी 1, 2, 3 उतनी ही सिलाइयाँ हमें ऊपर बनानी है, सीधी तरफ सीधी और उल्टी तरफ उल्टी, पूरी सिलाई उल्टी और सीधी तरफ पूरी सिलाई सीधी। अब इसे हमें 3 सिलाइयाँ बनानी है। ये देखिए ये ऐसे जितनी सिलाइयाँ हमने नीचे बनाई थी 3 सिलाइयाँ, ये बीच में 2 का 1 किया था तो ये जाली सी बन गई। अब ऊपर भी उतनी सिलाइयाँ बनाने के बाद ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ये ऐसे, तो ये वाला कंगूरे वाला पोर्शन बन जाएगा। इसको फोल्ड कैसे करना है ये आप देखिए। फोल्ड करने के लिए पहला फंदा तो इस सिलाई का हम इधर उतार लेंगे, इसे ऐसे टाइट कर लेंगे। अब हम उल्टी तरफ जाए देखेंगे जहाँ से हमने ये वाले फंदे ये जो लगाए थे पिंक वाइट ऊन जहाँ पे हमने शुरू किया था, तो इसका जो पहला फंदा है ये वाला, ये ऐसे हम ले लेंगे, ये ऐसे ले लेंगे। और ये फर्स्ट बस ये ध्यान रखेंगे कि ये फंदा है तो इसके सीध वाला ही ये फंदा होना चाहिए, नहीं तो फिर वो कंगूरे टेढ़े से आ जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट फंदा था तो ये भी हमारा इधर का भी फर्स्ट फंदा होना चाहिए, और ये फंदा और ये फंदा, दोनों फंदों को हम ऐसे लेके और पिंक वाले ऊन से ये 2 का 1 ये और 1 ये, ये 2 का हम 1 कर देंगे। ये देखिए ये हमारे कंगूरे बनने लगे। अब फिर से देखिए इस सिलाई का जिस तरफ फंदे ज़्यादा हैं, इस फंदे का एक फंदा हमने इस सिलाई में लिया और ये जहाँ से ये फंदा था वहाँ से ये वाला जो है, जो ये सफ़ेद वाला फंदा है उसको ऐसे लेंगे और इधर से ये दोनों फंदों को, एक इस सिलाई वाला और एक जो नीचे वाला था, दोनों को इस पिंक ऊन से 2 का 1 कर देंगे। आप फिर से देखिए ये ऐसे लिया,
इस सिलाई में उतार लिया। बस इतना ध्यान रखना है कि जो फंदा इस सिलाई का हो उसके सामने वाला ही फंदा हो, नहीं तो ये कंगूरे टेढ़े से बनेंगे। और फिर ये एक फंदा, ये नीचे, ये देखिए जहाँ से हमने वाइट ऊन लगाया था तो उसका जो वाइट वाला फंदा है वो इस सिलाई में ऐसे उठाएंगे और इन दोनों फंदों को दो का एक, दो, ये दो का एक पिंक ऊन से कर देंगे। आप एक बार फिर देख लीजिए, ये फंदा आप इस सिलाई में लिया, सिलाई घुमाई और पीछे से ये वाइट वाला ऐसे लिया और ये दोनों फंदे वाइट वाले इस सिलाई में लेके और पिंक वाले ऊन से दो का एक कर देंगे। तो ये हमारे ऐसे कंगूरे बनते जाएंगे। ऐसे करते हुए हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ये जो वाइट वाले हैं इन्हें लेना है और ऐसे करते हुए ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ऐसे फोल्ड होके, ये आप देख रहे हैं इस तरह से, जैसे इसमें है ये वाले कंगूरे का पोर्शन हमारा फिनिश हो जाएगा। ये देखिए हमारे कंगूरे ये बन गए और ये इधर ये वाला पोर्शन कंगूरे बन गया। अब हमको ये वाला पोर्शन बनाना है, ये वाला पोर्शन। इसके बाद हमें पिंक वाले ऊन से उल्टी तरफ उल्टे और सीधी तरफ सीधी सिलाई बुनते हुए ये 10 सिलाइयाँ बुननी है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक नीचे यहाँ से देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये 10। ये 10 सिलाइयाँ सीधी उल्टी, सीधी तरफ सीधी और जैसे ये उल्टा साइड है तो पूरी सिलाई उल्टी और इधर सीधी है तो सीधी साइड में पूरी सिलाइयाँ सीधी बुननी है। ऐसे करते हुए हमें ये 10 सिलाइयाँ, ये जो 10 सिलाइयाँ हैं इसे बिन के कंप्लीट करना है। अभी देखिए हमें ये वाला पोर्शन बनाना था, 10 सिलाई ये हमने बना लिया कंगूरे के बाद। ये 10 सिलाई सीधी तरफ सीधी उल्टी तरफ उसी 10 सिलाई हमने बनाने के बाद अब हमें 21 फंदे सीधे बुनने हैं। पहला फंदा एज यूजल उतारेंगे फिर 21 फंदे बुनने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21। 21 फंदे बीनने के बाद हम यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा देंगे 21वें फंदे में। ये स्टिच मार्कर हम ऐसे लगा देंगे। फिर उसके बाद बीच में हमें 11 फंदे रखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और उसके बाद फिर हम एक स्टिच मार्कर, ये बीच में हमारे ये 11 फंदे हैं, यहाँ से मार्कर से इधर तक 21 फंदे हैं और इस साइड में भी हमारे 21 फंदे रहेंगे। तो एक मार्कर हम यहाँ पे लगा देंगे और ये हमारे 21 फंदे होंगे। तो इसको भी हम 1, 2, 3, 4 ये इधर भी हमारे 21, इधर भी हमारे 21, बीच में हमारे 11 फंदे। ये देखिए दोनों तरफ 21 21, बीच में 11। तो अब हमें क्या करना है, ये 11वां फंदा हमें इधर ले लेना है। तो अब हमारे बीच में हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो इस बीच वाला एक 11वां फंदा था वो और इधर है जिसमें हमारा मार्कर लगा हुआ है, इन दोनों फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। ये ऐसे 2 का 1 सीधा बुनेंगे। फिर हमें इधर नहीं जाके सिलाई पलट लेनी है और जो ये वाला फंदा है इसको हम उतार लेंगे और
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा मार्कर वाला, इधर देखिए इस तरफ, ये इस हाथ वाले मार्कर वाला जो 21वां फंदा है उसको, और इधर वाला एक बीच वाला फंदा एक, इन दो को एक साथ उल्टा बुन देंगे ये ऐसे। फिर हम सिलाई पलटेंगे और इधर पहला फंदा हम उतार लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां फंदा हो गया। तो ये वाला फंदा और ये वाला फंदा दोनों हम सीधा बुनेंगे, ये हमारा ये वाला पोर्शन बन रहा है, ये वाला पोर्शन। तो इन दो को हम एक कर देंगे, सीधा बुनेंगे, 2 का 1। हर बार इस एक फंदा इधर से, और जब पलटेंगे तो एक फंदा इधर से, एक बीच का और एक इधर से, ऐसे लेते हुए हमें ये पूरी अपनी ये वाली लेंथ कवर करनी है। ये हमें तब तक करना है जब इस तरफ 13, इस तरफ 13 और बीच में 11 फंदे बचे। फिर हम सिलाई पलटेंगे, पहला फंदा हर बार उतार लेना है। देखिए ये सिलाई में ये सिलाई जो है बराबर आती है, जब सिलते क्या मतलब, जब ये फिनिश होता है तो ये बराबर आता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये वाला फंदा, और फिर एक मार्कर वाला फंदा, और एक इस सिलाई से लेंगे, 2 का 1 उल्टा बुनेंगे, उल्टी तरफ 2 का 1 उल्टा बुनेंगे और सीधी तरफ 2 का 1 सीधा बुनेंगे। फिर सिलाई पलट लेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 11वां फंदा और एक इस तरफ का फंदा, इन दो को सीधा बुन देंगे, 2 को 1 कर देंगे ये तो के ये वाला पोर्शन जो है ये बनेगा। ये हर एक बार सीधी तरफ इधर से टर्न करेंगे, फिर एक फंदा इधर का एक बीच का लेते हुए इस साइड में जब 13 और इस साइड में 13 फंदे बचे और बीच में 11 फंदे बचे, तब तक हम इसे हर बार सिलाइयाँ पलट पलट के घटाते रहेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये स्टिच मार्कर हो जिसमें आप अपने स्टिच जो ज़्यादा लंबा हो, जैसे ये आपको बिनना है 10 सिलाइयाँ ये बिननी थी, आप भूल जा रहे हो और गिनने में दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पे 0 सेट कर दो, ये 0, और जब आप एक सिलाई हो जाए तो 1 कर दो, जब दोबारा हो जाए तो इसे 2 करके आप इसे हर बार, तो आपको लाइनें काउंट करने में भी आसानी होगी। और ये हर बार पलट पलट के हम ऐसे घटाते जाएंगे। ये देखिए वो हमारे यहाँ से करते हुए, यहाँ भी 13 फंदे हैं, बीच में 11 और इधर भी 13 फंदे हैं। अब इसके बाद ये देखिए, अब ये वाला शेप हमारा, ये जो पोर्शन था ये बन गया। अब हम इस वाले फंदे को भी इधर ले लेंगे और ये पूरी सिलाई उल्टी बिन लेंगे, ये सिलाई सीधी उल्टी हो गई, और अब हम ये सारे पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे, एक सिलाई सीधी और एक उल्टी। अब हमारे पास फंदे कितने बचे हम ये देख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25। अब यहाँ पे ये गैप है तो यहाँ पे हम टाइट करके थोड़ा बनेंगे। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और ये 38। ये मेरा एक फंदा ज़्यादा हो गया है, 37 फंदे, 38 फंदे बचे। अब ये पूरी सिलाई सीधी बुन ली और ये पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। इसके बाद मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये खोल के ये इतना लंबा। उसके बाद इस ये जो है ये बॉर्डर वाला पोर्शन, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी, ये सीधी सिलाई तो हमने बुन ली, ये पूरी सिलाई हम, ये वाली पूरी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे, फिर ये बॉर्डर वाला पोर्शन बनाएंगे। अब ये एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी, ये पूरा घटाने के बाद जब 13-13 फंदे भी अलग किनारे और बीच में 11 फंदे बचे, तो उसके बाद हमने पूरी सिलाई उल्टी और पूरी सिलाई सीधी बुन ली। अब उसके बाद हमें ये वाला पोर्शन बनाना है जो बॉर्डर वाला, एक सीधा एक उल्टा। और इसमें आप चाहें तो सिर्फ इतना भी बना सकते हैं और ये पोर्शन भी इतना बना के ईयर्स लगा सकते हैं, लेकिन ये फोल्ड करके थोड़ा बूट से स्टाइल आ जाती है तो ये अच्छे लगते हैं। ये बॉर्डर हमें 10 सिलाइयाँ बनानी है, एक सीधा और एक उल्टा की, एक सीधा और एक उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, ऐसे करते हुए हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करके और 10 सिलाइयों का हमें ये सीधा उल्टा का बॉर्डर बनाना है। ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो इस जूती में हम बना रहे थे, ये बॉर्डर वाला यहाँ से ये हमने बना लिया। जितना इस वाले जूती बूट में बनाया था उतना इसमें बना लेंगे। अब हमारे इतने पोर्शन के बाद अब हमें ये वाला पोर्शन बनाना है, ये बॉर्डर के बाद ये वाला पोर्शन। इसमें सीधी तरफ उल्टी सिलाइयाँ बुननी है और उल्टी तरफ है ये देखिए, ये सीधी सिलाइयाँ बुननी है, तो इस तरफ हमें उल्टी सिलाइयाँ बुननी, ये हम सीधी तरफ हैं तो सीधी तरफ, और ये उल्टी सीधी सिलाइयाँ हम उतनी ही बुनेंगे जितनी सिलाइयाँ हमने ये बॉर्डर की बुनी है। देखिए इसमें आपको क्लियर होगा, ये बॉर्डर वाला हिस्सा हमने जितना बिना है उतना ही हमें ये वाला पोर्शन बिनना है, जो सीधी तरफ उल्टी सिलाइयाँ और उल्टी तरफ सीधी सिलाइयाँ, ये उतने ही। ये हमारा देखिए, ये सीधी तरफ है तो इधर हम पूरी सिलाई उल्टी बिनेंगे, पहली सिलाई पहला फंदा उतार देंगे और फिर पूरी सिलाई हम उल्टी बिनेंगे। ये पूरी सिलाई हमें उल्टी बिननी है और जब हम उल्टी तरफ आएंगे तो इधर हमें पूरी सिलाई, ये उल्टी डायरेक्शन है, उल्टा पार्ट है इसका, तो उल्टी तरफ हमें पूरी सीधी सिलाइयाँ बनेंगी और ये उल्टी सीधी सिलाइयाँ हमें उतनी ही बिननी हैं जितनी हमने ये बॉर्डर बिना है, जिस एक सीधा एक उल्टा का। ये देखिए हमारा ये वाला हिस्सा, जितना हमने बॉर्डर बनाया था उतने हिस्सा हमें सीधा सीधी, ये सीधा पोर्शन है तो सीधी तरफ उल्टा और उल्टी तरफ सीधा बुनना है। मैं इसमें आपको दिखाती हूँ, ये वाली चीज़ हम बना रहे हैं। अब हमको ये वाली चीज़ बनानी है, ये जिससे कि ऐसे फोल्ड करें, ये
तो ये यहीं से फोल्ड करना है। ये चीज़ जो दिख रही है, ये वाली चीज़ हमें बनानी है। तो इसको बनाने के लिए अब हमें उल्टी तरफ से, ये हमारी सीधी तरफ है, तो सीधी तरफ से पूरी सिलाई हमें सीधी ही बुननी है और उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई हम सीधी ही बुनेंगे। एक, दो, ये सीधी तरफ है, सीधी तरफ से भी हम पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी हम पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। हमें ये वाली चीज़ बनानी है। ये देखिए, हमारा ये वाला हिस्सा, जितना हमने बॉर्डर बनाया था उतना हिस्सा हमें सीधा, सीधी, ये सीधा पोर्शन है, तो सीधी तरफ उल्टा और उल्टी तरफ सीधा बुनना है। मैं इसमें आपको दिखाती हूँ, ये वाली चीज़ हम बना रहे हैं। अब हमको ये वाली चीज़ बनानी है, ये जिससे कि ऐसे फोल्ड करें, ये तो ये यहीं से फोल्ड करना है। ये चीज़ जो दिख रही है, ये वाली चीज़ हमें बनानी है। तो इसको बनाने के लिए अब हमें उल्टी तरफ से, ये हमारी सीधी तरफ है, तो सीधी तरफ से पूरी सिलाई हमें सीधी ही बुननी है और उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई हम सीधी ही बुनेंगे। एक, दो, ये सीधी तरफ है, सीधी तरफ से भी हम पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी हम पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। हमें ये वाली चीज़ बनानी है। देखिए, वो हम उल्टी तरफ आ गए, तो उल्टी भी तरफ से हमें पूरी सिलाई, सीधी तरफ से भी हमने पूरी सिलाई सीधी बुनी, उल्टी तरफ से भी हमें पूरी सिलाई सीधी ही बुननी है। अब उल्टी तरफ भी हमने पूरी सिलाई सीधी बुन के, अब हम सीधी तरफ आ गए, तो सीधी तरफ हमें पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। मैंने आपको दिखाया कि ये चीज़ जो ये कंगूरे से आ रहा है, हमें ये चीज़ बनाना है। तो अब सीधी तरफ भी हमें पूरी सिलाई उल्टी बुननी है और उल्टी तरफ हमें सीधी बुननी है। सीधी तरफ हमें पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। ये जैसे ये एक उभरा सा हिस्सा आएगा, यहीं से ये फोल्ड होगा, तो ये उल्टी सीधी तरफ, ये सीधा पोर्शन है, तो इस तरफ हमें पूरी सिलाई उल्टी बिननी है। और जब हम इस तरह हम पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे और जब हम उल्टी तरफ आएंगे इस तरफ, तो हम पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। इस सीधी तरफ हमने पूरी सिलाई उल्टी बुनी, अब हम उल्टी तरफ पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। अब हम इधर उल्टी, देखिए ये उल्टी साइड आ गए, तो उल्टी तरफ हम पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। ये देखिए, जितना पोर्शन ये नीचे वाला था उतने पोर्शन हमने बना लिया। ये ऐसे पलटा जाएगा। अब हमें ये वाली वाइट सिलाइयाँ बिननी है, तो वाइट टोन की हमें चार सिलाइयाँ बिननी है उल्टी उल्टी। ये देखिए, दो ये दाने से दिख रहे हैं, तो हमें चार सिलाइयाँ वाइट कलर के उनसे बिननी है। तो ये हमारा सीधी साइड है और सीधी साइड में हम वाइट ऊन लगा लेंगे। ये वाइट ऊन लगाएंगे और सीधी तरफ भी उल्टी ही सिलाई बुनेंगे और उल्टी तरफ भी हम सीधी ही सिलाई बुनेंगे। तो चार सिलाइयाँ हमें बुनेंगे, तब ये दो धारियाँ वाइट की आएंगी। फिर उसके बाद बीच में दो धारियाँ सीधी सीधी ये पिंक ऊन की बुनेंगे, फिर इसी तरह वाइट ऊन की दो धारियाँ बुनेंगे। तो ये चार सिलाइयाँ उल्टी उल्टी वाइट ऊन से बुन लेंगे, पूरी सिलाई वाइट ऊन से बुनेंगे, सीधी तरफ भी उल्टी और उल्टी तरफ भी उल्टी सिलाई बुन के चार सिलाइयाँ हम उल्टी सिलाई की बुनेंगे। ये देखिए, वाइट कलर की ये दो धारियाँ, मतलब चार सिलाइयाँ बुन ली, तो ये दो ये पट्टियाँ दिख रही हैं। अब इसके बाद हमें ये दो सिलाइयाँ ये बिननी है पिंक ऊन से। हम सीधी तरफ आ गए हैं, तो सीधी तरफ पिंक ऊन से, ये नीचे हमारा पिंक ऊन है, पिंक ऊन से पूरी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। एक, पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे और सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से पूरी सिलाई भी सीधी बुनेंगे। ये बीच की दो बुनेंगे,
ये ऐसे फोल्ड होगा कि पूरी सिलाई हम सीधी तरफ उल्टी बुन लेंगे। और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। ये ऐसे दो पिंक की बना के, फिर जैसे ये वाली बनाई थी वैसे ही दो वाइट की फिर बना के, और सारे फंदे घटा के हम इसे बंद कर देंगे और फिर इसे फोल्ड कर देंगे। अब हमें इस उल्टी तरफ आ गए, उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हम पिंक ऊन से सीधी बुन लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, सीधी तरफ पूरी उल्टी बनी थी पिंक ऊन से, और उल्टे साइड में पूरी सिलाई हम सीधी बुन लेंगे। और सीधी बुनने के बाद फिर ये दो धारियां हम वाइट की डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारी सफ़ेद सिलाई हो गई, तीन सिलाइयां सफ़ेद ऊन से हो गई। अब हम इसे दो का एक करके इसे बंद कर देंगे, दो का एक। फिर इस फंदे को भी इस पर टाइट करते जाएंगे, बहुत टाइट नहीं करेंगे, इस पर ऐसे करेंगे। फिर ये दो फंदे का एक फंदा ये घट जाएगा, सारा फंदा ऐसे बंद कर देंगे इस तरह से, दो का एक कर देंगे। और फिर ये पूरा बंद हो जाएगा, फिर हम यहाँ साइडों से ऐसे सिलाई करेंगे और फिर इसके ये ईयर्स बनेंगे। ये देखिए, ये पूरा पोर्शन मेरा बन के तैयार हो गया हमारा। अब ये यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाएगा और आपके पूरे शूज़ तैयार हो गए। आप इसे ऐसे खोल के यहाँ से सिलाई करेंगे, पूरा ये यहाँ तक सिला जाएगा। बस ये देखिएगा, धारियाँ वाइट पे वाइट मिली हुई हों, और ये ऐसे यहाँ पे ये कंगूरे यहाँ पे बराबर से ऐसे मिले हुए हैं, जिससे लगें कि एक साथ ही बने हैं। और ये नीचे साइडों से जैसे ये सिला गया है, ये नीचे से सिल जाएगा। आपके बूट्स तैयार हो गए। अब ये बस ईयर्स बनाने बाकी हैं, ये ईयर्स हम बनाएंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट इसी तरह देते रहें। और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे विज़िट करें और होली इंजॉय करें। हैप्पी होली और सेफ होली। थैंक यू।